नीतू, अरे आ रही हूँ ना, पी 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 लगा रखा है। अरे भाग का रही है, सुन तो। इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं खुशा को ना उल्टी हो रही थी। क्या हुआ, तूने व्लॉग किया, बता। वो तेरा कल वाला व्लॉग देख के तू उल्टी कर रही थी। मोटे तू ज्यादा बोलने लग रही है ना, एक घुसन मारूंगा ना तेरे। अरे घुसन, मेरे को घुसन मारा है तो ये सब अपने व्लॉग में मत बोल मोटे, भूल गया पिछले बार जब मेरे वजह से थाने जाना पड़ गया था। अरे यार उस दिन तो सही के बर्थडे बम्स खाने पड़ गए थे। अब जा नहा ले, फिर भी तो जाना है। अरे एक चाय तो पिला दे यार। तो गाइस रितू हमेशा नखरे दिखाती है जब भी मैं उसको चाय के लिए बोलता हूँ, लेकिन बहुत प्यारी लड़की है, हमेशा मान जाती है। प्यारी लड़की से याद आया, ये देखो गाइस कंटेंट। अरे ले भैया ये कौन है? कुशु बेटा, पापा आम खा ले आपका। कुशु मूबा बोलो भैया, मूबा। पापा परेशान करना बंद कर दो, मैं बड़ी हो गई हूँ। कंटेंट से बड़ी हो गई है? हाँ। कुशु बोलो मूबा। ला ला ला। गुड गर्ल। तो गाइस बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पर पापा आपने तो मेरा पूरा चाइल्डहुड ही व्लॉग किया है, तो आपको तो पता चलता ही होगा ना। गाइस बच्चे क्यों बड़े हो जाते हैं, लगता है तीसरा करना पड़े। नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, चाय। चाय का तो इतना शौक है ना इन्हें, क्या ही बताऊं गाइस। चाय का शौक कैसे नहीं होगा, तेरे पापा ने भी तो दहेज में छन्नियां दी थी, अब पिलाएगी? ऐसा मत कर। अरे ये चाय की प्याली ना हमें हमारे फैंस ने गिफ्ट की थी, तो गाइस ऐसे महंगे गिफ्ट हमें मत भेजा करो। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है हमको। मोटे तूने पिछले व्लॉग में खुद ही तो एड्रेस रिवील कर दिया था, 721 सेक्टर 8 नोएडा में रहते हम। तो मैंने इसलिए बतला था ना ताकि आप लोग हमें बर्थडे केक भेज सको, पर गाइस ऐसे ना महंगे गिफ्ट यहाँ मत भेजा करो, अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ वो हमारे नागपुर वाले फ्लैट पे भेज देना, 321 गली 6 महिपाल कॉलोनी। सुनाएगा? तो गाइस मैं फ्यूनरल के रेडी हो चुका हूँ, अभी आपको जाके वहाँ पे आउटफिट दिखाता हूँ कैसी है। अरे यार, अरे यार तो झुका भी नहीं जाता है। मोटे कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे मोटे ये क्या पहन लिया? अरे अर्थी उठानी है, उड़ानी नहीं है यार। कभी तो पहनने दिया कर पायलट वाली, 5 साल से नहीं पहनी है। तो मैंने कहा था केस ठोकने को। अगला केस तलाक का ठोक दूं, बकवास कर रही है। Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. The guys, just अभी पियूसा मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, दाल चावल। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछे थे आप रोज रोज दाल चावल कैसे खा सकते हो, तो लोगों को बताना चाहते हो गाइज हम डिनर में पोहा भी खाते हैं। क्या बोला पियूष? तो गाइज पियूष ने फिर से कुछ मंबल किया है, एक बार इस बार ना ढंग से सुनते हैं। जोरदार मेरे को भूख लग रही है। तो गाइस पीयूष कह रहा है उसे भी भूख लग रही है। अरे आपका आधा व्लॉग तो मेरी बातें रिपीट करने में चला जाता है। तो गाइस पीयूष कह रहा है हमारा आधा व्लॉग तो उसकी सारी बातें रिपीट करने में। ओ तो गाइस हमने पीयूष के लिए एक और ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। तो गाइस पीयूष का ब्रेकफास्ट आ गया है। बेटा सौरदा को थैंक यू बोलो, इसके लिए, इस जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए। तो गाइस पीयूष ने अपना ब्रेकफास्ट पी लिया है, अब चलते हैं मोनू के फ्यूनरल पे। पर उससे पहले पीयूष को स्कूल छोड़ेंगे, और उससे भी पहले चाची के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, और उससे भी पहले, उससे पहले पिछला वाला व्लॉग होगा। तो गाइज बहुत दिनों से चाची जी को सरप्राइज नहीं किया था, व्यूज कम हो रहे थे, तो आज चाची जी को सरप्राइज करते हैं। अरे देखो गाइज चाची जी आ गई। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे दिन में? अरे चुप रहो। अरे चाची जी आपके लिए सरप्राइज है। अरे तो ये खोल दे, खोलो ना पहले, ये बांध दिया इन्होंने पता नहीं क्या। अरे ये लो, ये क्या है इतना बड़ा डब्बा? हाँ क्या है इसमें? क्या घर? अरे खोलो, घर के आइटम है क्या? चल ये तो तुमने मेरे को काम में लगा दिया। हाँ ये तो एक और डब्बा है, तो खोलो ना। मेरा गिफ्ट है पीयूष, शरारत मत कर।
उसको तो हमने सर पे चढ़ा दिया और कुछ। अच्छा इधर दे दो, इधर अरे मम्मी जल्दी खोलो ना, एंगेजमेंट नहीं आती, सोर्दा मेरे को पेल देते। अरे खोल रही हो ना, और बच्चों को नहीं गिफ्ट देना, जल्दी करो, इसी कागज में पैक कर देंगे हम, देखना साल लगाओगे बढ़िया। आईपैड है सरप्राइज। अरे ये तो, ये जो इसने पिछले हफ्ते दिया था मेरे को, देख मेरा नाम भी लिखा हुआ इस पे चाची। अरे सत्यानाश हो, फिर कर क्या हम लोग सब कुछ। सरप्राइज चाची जी, सरप्राइज। सुबह से पैक कर रहा हूँ मैं गार्डन। सॉरी सॉरी, मैं ना आपको गांव भेज दूंगा। दोबारा कर ले, दोबारा चिपकाना पड़ेगा। अरे वाह सरप्राइज। ये क्या है सिलवट्टा? थैंक यू बेटा। अरे पागल औरत, आईपैड है एप्पल। थैंक यू बेटा, ये चलाते कैसे बताना मेरे को, तो इसको कैसे चलाएंगे? अरे बेटा एक मुझे भी चाहिए। अरे आपको पिछले हफ्ते तो दिया था। अरे उसका कलर वाइट है, मुझे ग्रे चाहिए। ठीक है। और तो गाइस अगले हफ्ते चाचा जी को सरप्राइज देंगे। थैंक यू। और मुझे तुझे अभी दी तो थी पिछले की बोतल, कितना गिफ्ट चाहिए? अरे गाइज ये देखो कॉफी बीन्स, एक बार चाची ने ये चने समझ के खा लिए थे, फिर पूरी रात भाग रही थी। गाइज ये देखो कॉटन, ये चाचा जी के नाभि से निकलते हैं, इसे हम कलेक्ट करते हैं। गाइज ये देखो अवार्ड, इसे मैं अगले हफ्ते पैक करके अनपैक करूँ। गाइज ये देखो बाथरूम का दरवाजा, अंदर देखते हैं क्या है। अरे पीयूष तू यार, लेकिन पता नहीं क्यों पीयूष सैड है। पीयूष सैड क्यों है तू? बता प्लीज, बता पीयूष, पीयूष भाई सैड, पीयूष 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 पीयूष। अबे पीयूष पीयूष क्या लगा रखा है? पीयूष है नाम मेरा, बचपन तो तूने कंटेंट बना बना के चोद दिया, और अब तू मुझसे बोल रहा है कि मैं सैड क्यों? अबे जितना कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा है ना इसमें, उस हिसाब से चैनल का नाम होना चाहिए था पीयूष एंड सौरभ व्लॉग। सेवन तो मैं दो बार फेल हो चुका हूँ, मैं तेरे चक्कर में, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तेरे को एग्जाम प्रिपरेशन व्लॉग बनाने का मन करता है। अबे रट्टा मारने के 500 रीटेक दिए थे मैंने उस रात, मैं सो नहीं पाया, अगले दिन एग्जाम में सो गया, रिजल्ट आया, पापा मम्मी ने कूट दिया, और तूने भाई साहब उस कूटने का भी वीडियो बना दिया और टाइटल डाल दिया कि पीयूष की हुई ठुकाई, सैड इमोजी। तू चूतिया उदिया है क्या भाई? ये आदमी है ना एड रेवेन्यू के लाखों रुपए कमाता है, पर मेरे को ब्रेकफास्ट में देता है बिस्लरी की बोतल, हम लोग को दाल चावल खिला के यूट्यूब फैन फेस्ट में जाता है और खाता है रिसोटो फॉर्म वाला। अरे टट्टी में सब लोग बैठ जाते पर बोलते हैं वेलकम गाइस, हग रहा हूं मैं। अरे टीचर भी अब मुझे चूतिया का भाई बुलाने लग गई है, और ये बोल रहा है कि मैं सैड के हूं। तो एक बात बता भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सारे सब्सक्राइबर्स आए, हेलो करे, हेलो हेलो पीयूष देख। तो गाइस लगता है पीयूष स्कूल चला गया। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? गाइज हम फाइनली मोनू की नियत पे पहुंच चुके हैं, और पीछे मेरी बीवियां, बीवी नंबर एक, बीवी नंबर, अरे यार एक तो तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन हो जाती, बीवी नंबर एक ये बीवी नंबर दो। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, हम कुछ उन्हें व्लॉग्स के रूल बता दे, जिससे कि हर 5 मिलियन सब्सक्राइबर एड होने पे एक नई बीवी आएगी, 6 घंटे में हमारे 1 लाख लाइक्स हो जाते हैं तो एक नया बच्चा अनबॉक्स होगा। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो बच्चा वापस अंजू के साथ होगा या नहीं। वैसे यहाँ हाँ या ना करने से क्या हो गया बाबू, ये हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारा मेकअप खराब है क्या? अरे मेकअप एकदम टिप टॉप है, बस इनका ना थोड़ा आईलाइन कम है। ये देखिए आप, जब इस पे +1 लिखा है तो 2 जन को एंट्री कैसे दे दें? अरे जब मेरी 2 बीवियां हैं तो मैं +1 कैसे करूं? इन दोनों को वेल्ड करवा दूं? ये रोबोट थोड़ी है। तुम भी कुछ बोलो। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। गजब लोग हो यार। गाइस हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, इंसान चैन से 2 बीवियां नहीं रख सकता है। और बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि संग्राम जी आप अपनी दोनों बीवियों में से रात में ज्यादा टाइम किसको देते हैं? तो उन लोगों को मैं बता दूं, बेंचो थ्रीसम सुना है? थ्रीसम, अरे शान हो गया यार मैं कॉन्डम खरीद खरीद के। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये मैकेनिकल गौरव जी यहाँ क्या कर रहा है? मेरा कंटेंट खाने आया, साला कुत्ते की मैयत पे भी आ गया। टेक टू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, फ्रेश, अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी एपिसोड में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ दुनिया की सबसे कॉस्टली सर्दी के सामने, जहाँ मोनू द डॉग का जनाजा जाने वाला है। आई एम नॉट श्योर ये ब्रांड कौन सा है, पर इसकी ग्लास छू के पता लग रहा है आपकी औकात के तो बाहर का ही है। दोस्तों यहाँ 4 मोमो भी पड़े हैं, टेस्ट करके बता दो कैसे हैं। अरे मैकेनिकल भाई ये मोमो नहीं मोदक है।
दोस्तों ये बिन प्लेन का पायलट मुझे मोमो और मोदक में फर्क समझा रहा है। मोनू के मुंह गए मां चुराने। दोस्तों आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, इटालियन क्लॉक है। ये प्रॉपर्टी खरीदने का मन कर रहा है मेरा। जस्ट किडिंग गाइस, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। गरीबों चूतिया जल्दी लगा इसे। दोस्तों हर व्लॉग की तरह मैं इस व्लॉग में भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखो दोस्तों पैसा, ये लो गरीब व्लॉगर्स के लिए पैसा, बहुत सारा पैसा। ये देखो गाइस गरीब अपना पेट भर लेंगे मोनू की मैयत की मां चौधरी में। ये देखो दोस्तों मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, ये मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये देखो दोस्तों मेरे हीरे के फोन पे सोने का कवर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके। ये देखो दोस्तों मैंने सोने की ब्रा भी पहनी हुई है। भैया आप तो बबला नहीं लग रहे हो। दोस्तों मैं इस चूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ। पैसों में अंधा हो गया हूँ। अंबानी मेरे लोड़े पे, जी हाँ दोस्तों वो भी सोने का है। ये देखो दोस्तों मेरे सोने का कट्टा, गोली चलाता हूँ तो सामने वाला खुशी से मर जाता है। मेरी तो कॉर्निया में भी सोना है, जग सोना सोना लागे दोस्तों। तो गाइस हम फाइनली सह परिवार मोनू के फ्यूनरल पे पहुंच चुके हैं। काफी सारी लाइटिंग कर रखी है। तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सौरभ आया हुआ है। आंखें बंद। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ गौरव भी आया हुआ है और गौरव भैया भी आए हुए हैं। अरे गौरव भैया कैसे हो? तो गाइस कमेंट करके बताओ सारे ब्लॉगर्स का नाम गौरव क्यों होता है, सौरभ क्यों नहीं होता? तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे गौरव सौरभ चूतिया ब्लॉगर्स आए हैं जो एड रेवेन्यू पे चलते हैं, लेकिन मैं एड रेवेन्यू पे नहीं चलता हूँ। मैं चलता हूँ अपनी सोने की चप्पलों पे। यूट्यूब को एड रेवेन्यू मैं देता हूँ। अंकल चॉकलेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफी गरीब बच्चे आए हुए हैं। मैं नहीं रह सकता है यहाँ एक मिनट भी। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। लाइक शेयर करना है तो करो वरना मत करो। मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं। मां चुदाओ तुम लोग। आई एम द बेस्ट। मिलते हैं अगले शो वाले व्लॉग में। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। आप प्रोबो पे जाइए, अपनी नॉलेज से जाके डायरेक्टली। अभी अभी रुक जाओ, अभी नहीं वाला नॉर्मल वाला। हाँ हम बता देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। कोकेन से बढ़िया चाय है।